तीन दिन पहले स्थिति बहुत खराब था, लेकिन अभी धीरे धीरे पहले से बहुत अच्छा हो गया है। सिक्योरिटी फोर्स आने से और दिन रात ये कुछ अच्छी तरह फोर्स ने अपना काम किया है, तो इसी के वजह से सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आया है। और ऑर्डर्स भी अभी हमें बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिले हैं कि जो गड़बड़ करेगा उसको हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं है और अच्छा एक्शन लेना है। तो आर्मी को भी फ्लैग मार्च करने के ऑर्डर्स मिले हैं, तो ये और फ्लैग मार्च हो रहे हैं और आर्मी का चलना फिरने का तरीका अलग होता है, तो पब्लिक भी इसको मानते हैं और ओबीडियंट बोलेंगे कि पहले से अपना जो टेम्पर था वो बहुत कम हो गया है। तो देख रहे हैं आप पेट्रोल दे रहे हैं जबकि कर्फ्यू लगा हुआ है, फिर भी बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं, किसको आप पेट्रोल दे रहे हैं और क्यों पेट्रोल बांटा जा रहा है? जी हम लोग को आदेश दिया गया था कि ओनली एसेंशियल सर्विस लाइक हॉस्पिटैलिटी, पुलिस सर्विस, फायर ब्रिगेड, ये सब का सर्विस के लिए एसेंशियल के लिए विद प्रॉपर परमिशन के थ्रू हम लोग ने थोड़ा एसेंशियल को प्रोवाइड किया हुआ है, ये आदेश दिया गया था हम लोग के गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसी के लिए हम लोग अभी यहाँ पे जितना हो सकता है हम लोग की तरफ से हम लोग ने इशू करवाया, जहाँ तक हो सकता है हम लोग ने सब किसी को एसेंशियल सर्विस को फ्यूल प्रोवाइड करने का कोशिश किया। कैसे पता लगे कि कौन जो है सरकारी आदमी है कौन प्राइवेट आदमी है, कि आप लोग भी बहुत कम वर्कफोर्स में काम करते हैं? जी इसके लिए हम लोग ने प्रॉपर मैनेजमेंट रखा हुआ है, यहाँ पे आईडी कार्ड प्रॉपर चेक हो रही है कौन एसेंशियल है कौन क्या है, पब्लिक को इशू नहीं हो रहा है यहाँ पे, ओनली फॉर एसेंशियल सर्विस लाइक आईडी कार्ड एंड ऑल हम लोग चेक कर रहे हैं उनको अच्छे से, उनको देख के फिर समझ के किसको क्या करना है उस हिसाब से मैनेजमेंट कर रहे हैं। सिचुएशन थोड़ा खराब है, फिर भी हम लोग अपने तरफ से बहुत कोशिश किए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपने तरफ से बेस्ट ही दिया हुआ है। अभी सिचुएशन तो इतना नॉर्मल नहीं है पहले जैसा, फिर भी हम लोग अपने तरफ से फ्यूल को कैसे हम लोग मैक्सिमम एसेंशियल को प्रोवाइड किया जाएगा उस हिसाब से हम लोग अपना बेस दे रहे हैं यहाँ पे।